किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से ऐसा ही कुछ पागलपन था एक मालिक के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते कि ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर वन बने रहने के लिए जो मेहनत है उसे कुछ ही लोग रूबरू है। और आज इस वीडियो में इस बंदे के कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी बोलोगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो के कोच बताते हैं, एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपने स्किल्स को और इंप्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शॉवर लेने चले जाते थे तब भी ये बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। और जहां 6 बजे ऑफिस छूटना होता है वहां 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैशन ही नहीं है, हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, और ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पर गिवअप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह, पर विनर्स ऐसी हालातों में भी रास्ते खोज ही लेते हैं। रोनाल्डो के लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बाका ना कर सकी। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर अब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था। पर अब इनके पास दो रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो या दूसरा एक रिस्की सर्जरी कर लो। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उभरे नहीं थे तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई, जिसने रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी माँ को दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मोरी बताते हैं, चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर लौटे तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहाँ ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद के कल से कम्पीट करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है, पर इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता, और इसी हार्डवर्क की बदौलत कामयाबी इनके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर वन बनना जितना मुश्किल है उससे कई मुश्किल है नंबर वन बने रहना, और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर वन बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, ट्रेनिंग सेशन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट घर जाते हैं। ऐसा ये किस्सा ये बताते हैं, दिन भर प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेके ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि नेवर गेट सेटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस, वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी है। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन तुम्हारे सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो, बस प्यार करो अपने उन सपनों से और तब तक ना रुको जब तक कि वो सपना हकीकत में ना उतर जाए, फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं।